नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्रेमेटस बॉट में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप फ्री वीपीएस कैसे ले सकते हैं और उसे किस तरह अपने एंड्रॉयड डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। इस वीपीएस के ऊपर आपको 220 GB स्टोरेज मिल जाती है और 192 GB की आपको रैम मिल जाती है। और ये जो हमारा वीपीएस है वो हमें इंटेल की तरफ से मिलता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको ये लिंक दिया हुआ है, आपको इस लिंक को अपने ब्राउजर के अंदर ओपन करना है। इस लिंक को यहाँ पे अपने ब्राउजर के अंदर ओपन होने के बाद आपको इस वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे गेट फ्री ओ एक्सेस के ऊपर क्लिक करके इसके ऊपर साइन अप करना है। आपको सबसे पहले आप यहाँ पे आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी होगी, जैसे कि आपका नेम वगैरह। आप यहाँ पे फेक नेम वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे ग्रेमेटर वन डाल दूंगा, लास्ट नेम में यहाँ पे बॉट डाल दूंगा। इसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना है। ईमेल एड्रेस के अंदर आप कोई भी फेक ईमेल, टेम्परेरी ईमेल, कुछ भी तरह का ईमेल यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। उस ईमेल का यूज बस हमारी वेरिफिकेशन के लिए होगा। तो मैंने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डाल दिया। उसके बाद यूजर नेम के अंदर आपको यहाँ पे चूज कर लेना है, यूज माई ईमेल एज यूजर नेम, यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं, या फिर आप अपना अपने हिसाब से यूजर नेम भी चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे अपने रीजन सेलेक्ट करना है, जो कि मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करूंगा क्योंकि मैं इंडिया से हूँ। आप यहाँ पे कुछ और भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप कर देना है। फिर आपको ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे चूज कर लेने हैं। यहाँ पे आपको बिजनेस इंस्टीट्यूट के अंदर आपको अपना कुछ भी नेम एंटर कर देना है, ठीक है। मैं यहाँ पे ग्रे मैटर बॉट डाल देता हूँ, ग्रे मैटर बॉट्स। और इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा होगा व्हाट टाइप ऑफ यूजर यू आर, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट चूज कर लूंगा। आप भी स्टूडेंट ही करें, सेलेक्ट ऑल सब्सक्रिप्शन करें और नेक्स्ट स्टेप पर जाएं। इसके बाद आपको यहाँ पे टर्म्स और कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे वेबसाइट लोड होने में कुछ देर लगा सकती है, और जब ये लोड हो जाएगी तो आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए एक मेल आएगा आपके ईमेल एड्रेस पर। तो हमारी जो ये थी प्रोसेस पूरी हो चुकी है, मेरे को मेल आया होगा ईमेल एड्रेस पे अपने। मैं अपना ईमेल बॉक्स खोलूंगा और इसे रिफ्रेश करूंगा। कई बार जो मेल है वो आने में 5 मिनट भी लगा देता है, तो मुझे यहाँ पे मेल आ चुका है। आपको इस मेल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई और ईमेल एड्रेस के ऊपर क्लिक करना है, और इसे इससे आपका ब्राउजर ओपन होगा। और देखो हमारे जो यहाँ पे ईमेल एड्रेस का वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है जब तक ये स्क्रीन ये आपको अपने आप रिडायरेक्ट करता रहेगा, और ये हमें यहाँ तक लेके आएगा साइन इन पेज तक। यहाँ पे आपको साइन इन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको साइन इन कर लेना है। तो मैंने अपने जो अभी ईमेल एड्रेस आईडी बनाई थी उससे साइन इन कर लिया। इसके बाद आपको जो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ लिंक है, आपको इसी लिंक को दोबारा कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको इसे ब्राउजर के अंदर ओपन करना है, एक नए पेज के अंदर आप इसे ओपन कर सकते हैं। मैंने इस पेज को यहाँ पे ओपन करूंगा। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपने इस पेज पे आना है। आपको यहाँ पे व्हाइट दिख रहा होगा, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ देर वेट करना है। आपको यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा आएगा, देखो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा चुका है, ये कह रहा है हमें कुछ देर वेट करना है, उसके बाद ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा। अब आपको इस यहाँ पे लिंक दिख रहा है, आपको इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है और इसे ओपन करना है, ठीक है। इसके बाद आपको ये जो लिंक मैंने कॉपी कर रखा था उसी को लिंक को दोबारा से जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसे तीसरी बार दोबारा से अपने ब्राउजर के अंदर ओपन करना है। और इसके बाद ये जो मेरी वेबसाइट है यहाँ पे ब्रोकन है क्योंकि किसी रीजन की वजह से ये अच्छे से वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है। आपको यहाँ क्या करना है, साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। आपको यहाँ पे एक बटन मिलेगा साइन इन का, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। बस तीसरी बार जब आप ओपन करेंगे तो आपको साइन इन बटन के ऊपर क्लिक करना है, इस बात का याद रखना। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। मैं यहाँ पे लॉग इन हो चुका हूँ। आपको यहाँ पे दिख रहा है डाउनलोड सेटअप देव क्लाउड एक्सेस। आपको इस फाइल को अपने अपने ब्राउजर के अंदर डाउनलोड कर लेना है। तो मैं इस फाइल को यहाँ पे डाउनलोड करूंगा, अरे मेरी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, मेरी फाइल डाउनलोड हो चुकी है। ये सिर्फ कुछ ही KB की फाइल है, 5 KB की कुछ फाइल है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपका अपने एंड्रॉइड डिवाइस के अंदर ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, टर्मेक्स एप्लीकेशन। आप इसे यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि आप इसे कैसे इंस्टॉल करें। और इसे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपको इसे ओपन करना है, इसकी सेटिंग्स में जाना है सबसे पहले, और इसकी परमिशन में आपको इसे स्टोरेज परमिशन अलाउ कर देनी है इस ऐप को स्टार्ट करने से पहले, इस बात को याद रखना। और मैंने यहाँ पे परमिशन दे दी। अब मैं इस एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन करूंगा। ये यहाँ पे स्टार्टअप होने में कुछ सेकंड्स लगाएगी, मेरे को तब तक के लिए कुछ देर वेट करना है। और मेरी एप्लीकेशन जो है यहाँ पे सेटअप हो चुकी है।
इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ये कमांड देनी है पीकेजी अपडेट स्पेस एंड एंड दो बार लिखना है, और उसके बाद पीकेजी अपग्रेड। इससे आपके जितने भी पैकेजेस होंगे वो सारे अपडेट और अपग्रेड हो जाएंगे, और ये अभी मेरे से डाउनलोड करने के लिए वो लेगा, परमिशन लेगा कि क्योंकि इसे कुछ फाइल डाउनलोड करनी होगी जिसके लिए इसे मेरे से परमिशन चाहिए होगी, और यहाँ पे परमिशन पूछा है। तो आपको यहाँ पे वाई एंटर करना है और एंटर प्रेस कर देना है। मैंने वाई टाइप करा और एंटर कर दिया, और यहाँ पे जो हमारी फाइल है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ये यहाँ पे 19 MB की फाइल को डाउनलोड करेगा, ठीक है। और जब आपके सामने ऐसा प्रॉम्प्ट आए तो आपको बस डिफॉल्ट एन टाइप करना है हर बार, और आपको यहाँ पे एंटर प्रेस कर देना है। देखो यहाँ पे एक और बार आएगा भी, यहाँ पे जब भी दूसरा ऑप्शन आया यहाँ पे इंस्टॉलिंग हो रही है। आ जा, आ गया। एन टाइप करना है बस आपको और एंटर प्रेस कर देना है। हर बार जब भी ऐसा आएगा तो आपको एन टाइप करना है और एंटर प्रेस कर देना है। और ये यहाँ पे मेरे सारे पैकेजेस अपडेट हो चुके हैं, मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना है इस कमांड को रन करके, पीकेजी इंस्टॉल ओपन SSH। आपको इस कमांड को यहाँ पे रन करना है एज इट इज, और आपको यहाँ पे वाई एंटर कर देना है। हमारा जो ये पैकेज है 2.5 MB का है, और ये 15 MB की स्पेस एक्वायर करेगा हमारे डिवाइस के अंदर जो मैं पैकेज इंस्टॉल कर रहा हूँ ओपन SSH। ये इंस्टॉल हो गया। अब आपको क्या करना है, हमने जो फाइल डाउनलोड करी है आपको वो आपके डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर मिल जाएगी आपके फाइल मैनेजर के। मैं यहाँ पे अपने डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर जाऊंगा अपने, ये देखो आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में दिख रही है सेटअप देव क्लाउड एक्सेस, ये वाली वो फाइल है जो हमने डाउनलोड करी है। आप क्या करना है, आपको टर्मेक्स एप्लीकेशन पे जाना है, यहाँ पे आपको अपने SD कार्ड के अंदर जाना है, मतलब SD कार्ड टर्मेक्स एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग SD कार्ड मतलब आपकी इंटरनल स्टोरेज। तो मैं यहाँ पे गलती से स्टोरेज के अंदर आ गया हूँ, मैं पहले अपने SD कार्ड में जाऊंगा, सॉरी अपने इंटरनल स्टोरेज में जाऊंगा, जिसके लिए कमांड है CD/SD कार्ड। आपको ये कमांड रन करनी है, और मैं यहाँ पे अपने इंटरनल स्टोरेज के अंदर आ चुका हूँ अपने डिवाइस की। आपको यहाँ पे सारे फोल्डर्स दिखाई दे रहे होंगे। अब आपको इसके अंदर डाउनलोड फोल्डर ढूंढना है, तो मेरा जो डाउनलोड फोल्डर है यहाँ पे मिल गया। तो आपको ये कमांड देनी है CD, और उस फोल्डर का नाम एंटर करना है जिस फोल्डर के अंदर आपको जाना है। तो मेरा जो फोल्डर है वो डाउनलोड फोल्डर है जिसके अंदर मैं जा रहा हूँ, तो CD/Download और कमांड को रन कर देना है। मैं यहाँ पे अपने डाउनलोड फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं SD कार्ड के अंदर डाउनलोड फोल्डर। LS रन करूंगा तो आपको यहाँ पे सेकंड लास्ट पे दिख रहा होगा सेटअप देव क्लाउड एक्सेस, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक कमांड रन करनी है बैश स्पेस, और इस फाइल का नेम कॉपी करके यहाँ पे एंटर कर देना है। बस हमारा जो यहाँ पे VPS सेटअप हो चुका है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस फाइल को रिमूव डिलीट कर देना है सिक्योरिटी रीजंस के लिए। तो आपको ये कमांड देनी है RM space देके उस फाइल का फिर से नाम देना है, ये फाइल डिलीट हो जाएगी। LS कमांड में रन करूंगा तो अब ये जो फाइल होगी यहाँ पे गायब हो जाएगी, देखो यहाँ पे वो फाइल डिलीट हो चुकी है। अब क्या आपको क्या करना है, यहाँ पे ये कमांड CD करके वापस आ जाना है मेन फोल्डर पे। अब आपको यहाँ पे बस एक ही कमांड रन करनी है, वो है SSH dev cloud। इस कमांड से आपका जो VPS आपकी टर्मेक्स एप्लीकेशन के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा। मैंने ये कमांड यहाँ पे टाइप करी और एंटर प्रेस कर दिया, क्योंकि मैं अभी से पहली बार कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पे इसे यस टाइप करना होगा और एंटर कर देना है। फिर से यस टाइप करेंगे, अभी आएगा यहाँ पे दोबारा हमसे पूछेगा, और ये आ गया। फिर से आपको यहाँ पे यस टाइप करना है और एंटर प्रेस कर देना है, और अब हम यहाँ पे अपने VPS के साथ कनेक्ट हो जाऊंगा। अभी आप देखना इस VPS पे हमें स्टोरेज अच्छी मिल जाती है, स्पीड भी अच्छी मिल जाती है। मैं यहाँ पे VPS पे कनेक्ट हो चुका हूँ, लेकिन इसमें क्या है कि आप यहाँ पे मिरर लीच बॉट को डिप्लॉय नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर हमें सूडो कमांड की प्रिविलेज नहीं मिलती है। ये जो हमारा VPS है ये 4 महीने के लिए चलता है, ये 4 महीने के लिए आपको फ्री मिलेगा, और यहाँ पे आप अपने बॉट को 6 आवर्स के लिए नॉन स्टॉप रन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपने ऑटो कैप्शन बॉट, फाइल स्टोर बॉट, इस तरह के बॉट यहाँ पे डिप्लॉय करके देखे थे, और ये यहाँ पे अच्छे से चल रहे थे, ठीक है। और जब 4 महीने का आपका पीरियड हो जाएगा तो आप फिर से दूसरा कोई ईमेल एड्रेस वगैरह चूज करके, फेक ईमेल से आप दूसरा अकाउंट बना के नया कमांड ले सकते हैं, ठीक है, नया VPS ले सकते हैं। और आपको इस बॉट को डिप्लॉय मतलब इस VPS को लेने में कोई भी दिक्कत वगैरह आती है तो आप हमारे सपोर्ट ग्रुप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको पता होगा हमारे ग्रे मैटर्स बॉट का जो चैनल है वहां पे स्ट्राइक आई हुई है, इसलिए मैं यहाँ पे दूसरे चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि मैंने क्या किया,
यहाँ पे इस टर्मेक्स एप्लीकेशन को बंद किया और मैं वापस आपको अपने देव क्लाउड से कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ अपने वीपीएस से। आपको बस एक ही कमांड रन करनी है अपने वीपीएस को कनेक्ट करने के लिए, एसएसएच देव क्लाउड, ये सब सेटअप करने के बाद। और बस इसी एक कमांड से आपका जो वीपीएस है हर बार कनेक्ट हो जाया करेगा। यहाँ पे जो आपका बॉट है वो 6 आवर्स के लिए नॉन स्टॉप यूज होता है, नॉन स्टॉप वर्क करता है। अब आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कि आपको कोई भी पाइथन स्क्रिप्ट को रन करना है लॉन्ग रन के लिए, तो उसके लिए एक कमांड होती है नो हब स्पेस, और उसके बाद जो कमांड आपको रन करनी है जो कि नॉर्मली होती है Python 3 बॉट डॉट पी वाई या फिर मेन डॉट पी वाई करके कोई फाइल होती है जो आपके बॉट को स्टार्ट करती है। और उसके बाद आपको यहाँ पे एंड प्रेस कर देना है, एंड टाइप करना है और इस कमांड को रन कर देना है। इससे आपका जो बॉट है वो 6 आवर्स के लिए नॉन स्टॉप इस वेबसाइट के ऊपर रन होता रहेगा। फिर चाहे आप इस टर्मेक्स एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर दें, डिलीट कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और 6 आवर्स बाद वापस आप इस बॉट अपने बॉट को यहाँ पे एसएसएस देव क्लाउड करके ये कमांड फिर से देकर अपने बॉट को दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। हमारी आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे जाकर ग्रेमेटर्स बॉट के मेन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ग्रेमेटर्स बॉट को भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, क्योंकि मैं सारे लेटेस्ट अपडेट्स अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही डालता रहता हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वेबसाइट इस वीपीएस के ऊपर आपको एक आध बॉट का ट्यूटोरियल बना के दिखाऊं कि आपको यहाँ पे कैसे बॉट को होस्ट करना है और कैसे रन करना है, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में डिप्लॉय बटन कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं आपको कौन सी रिपो डिप्लॉय करनी है। आप यहाँ पे, वैसे मैं सही बताऊँ आपको, आप यहाँ पे म्यूजिक बॉट को डिप्लॉय कर सकते हैं। ये हमारा ग्रेमेटस बॉट चैनल है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इसे ज्वाइन कर ले टेलीग्राम के ऊपर जरूर।